हेलो गाइस, कैसे हो सकते हो यार। आज एक और नए वीडियो के साथ वापस और यार आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ साउथ की टॉप 5 न्यू रिलीज क्राइम थ्रिलर फिल्मों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हाल फिलहाल में कई सारी साउथ की बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। सो गाइज, उनमें से ही कुछ बढ़िया बढ़िया क्राइम थ्रिलर फिल्में भी रिलीज हुई हैं। सो गाइज, मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 5 क्राइम थ्रिलर मूवीज़ के बारे में जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। सो गाइज, अगर आपको क्राइम थ्रिलर फिल्में देखना पसंद है तो इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली। सो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, नंबर 5 पर जो मूवी आती है इसका नाम है बिग ब्रदर, जो कि 2020 में रिलीज भी क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसके अंदर आप सभी को मोहनलाल, अरबाज खान, मीरना मेनन और भी कई सारे कलाकार देखने को मिलेंगे। बात की जाए अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, सो गाइस, इस फिल्म की स्टोरी लाइन बेस्ड है सचिदानंदन नाम के बंदे के ऊपर, जो कि यार एक जेल में कैदी होता है, लेकिन उसके पास एक स्पेशल क्षमता होती है जिसके चलते वो पुलिस वालों की मदद कर पाता है। तो गाइज, उसके पास ऐसी कौन सी क्षमता होती है जिसके चलते पुलिस वाले उसकी मदद लेते हैं कैदियों को पकड़ने में, और वो मदद क्यों करता है और क्यों करना चाहता है, और उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें इस फिल्म में आप सभी को देखने को मिलती हैं। सो गाइज, ये फिल्म उतनी ज़्यादा खास तो नहीं है, अगर आपको क्राइम थ्रिलर देखना पसंद है और आप मोहनलाल सर के फैन है तो गाइज इस फिल्म को गलती से मिस मत करना। एक बार तो आप इस फिल्म को देख ही सकते हो अगर आप मोहनलाल के फैन हो। सो गाइज, इस फिल्म को देखना है अगर आप, तो ये फिल्म आप सभी को यूट्यूब पर हिंदी में मिल जाएगी। वैसे ये फिल्म उतनी ज़्यादा खास नहीं है, इस फिल्म को IMDb की ओर से 3.3/10 की रेटिंग मिली हुई है। सो गाइज, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो गाइज ये फिल्म यूट्यूब पर हिंदी में आ चुकी है, इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप आसानी से इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी में देख सकते हो। नंबर 4 पर जो मूवी आती है इसका नाम है द टेररिस्ट, जो कि 2018 में रिलीज भी क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसके अंदर आप सभी को रागिनी द्विवेदी, रवि भट्ट, मानू हेगड़े और भी कई सारे कलाकार देखने को मिलेंगे। बात की जाए अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, सो गाइज इस फिल्म की स्टोरी लाइन बेस्ड है आसमा और रेशमा नाम की दो बहनों के ऊपर, जिसमें से यार आसमा का अपहरण हो जाता है, कुछ लोग जो है उसका अपहरण कर लेते हैं, और उसके बाद रेशमा को कॉल आती है कि अगर वो अपनी बहन को बचाना चाहती है तो उसे ये काम करने पड़ेंगे। वो काम जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर आते हैं। सो गाइज, वो क्या क्या काम होते हैं और क्या वो अपनी बहन को बचाने के लिए किस हद तक जाती है और क्या क्या करती है, वही सारी कहानी इस फिल्म में देखने को मिलती है। सो गाइज, ये फिल्म काफ़ी गजब की, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4/10 की रेटिंग मिली हुई है। तो गाइज, ये फिल्म काफ़ी बढ़िया, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो गाइज ये फिल्म आप सभी को यूट्यूब पर ऑफिशियली तो नहीं देखने को मिलेगी, अगर ना ऑफिशियली मिल जाती है तो जाकर देख लेना, नहीं तो इसका डाउनलोड लिंक मैं आप सभी को टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप आसानी से जाकर वहाँ पर इस फिल्म को डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैंने वैसे पहले से ही दे रखा है, काफ़ी सारे लोगों ने इस फिल्म को देख भी लिया होगा पहले से। तो यार, जिन लोगों ने देख लिया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि गाइज ये फिल्म आपको कैसी लगी थी। नंबर 3 पर जो मूवी आती है इसका नाम है 100, जो कि 2019 में रिलीज भी क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसके अंदर आप सभी को अथर्वा, अंशिका मोटवानी, योगी बाबू और भी कई सारे कलाकार देखने को मिलेंगे। बात की जाए अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, सो गाइस इस फिल्म की स्टोरी लाइन बेस्ड है सत्या नाम के बंदे के ऊपर, जो कि यार यंग पुलिस वाला होता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी पोस्टिंग जो है वो कंट्रोल रूम में हो जाती है, जिससे कि वो काफ़ी निराश होता है, लेकिन उसके बाद से कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ फुल थ्रिलिंग बन जाती है। सो गाइस, ऐसा वहाँ पर क्या होता है, क्या ट्विस्ट आता है और फिल्म का नाम 100 क्यों है, यह आप सभी को उसके बाद पता चल जाता है। सो गाइस, ये फिल्म काफ़ी बढ़िया है, इस फिल्म को IMDb की ओर से भी 6.5/10 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि एक बढ़िया रेटिंग है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस फिल्म का भी डाउनलोड लिंक आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप इस फिल्म को आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हो। वैसे यूट्यूब पर सर्च मार लेना, अगर मिलती है तो देख लेना, नहीं तो टेलीग्राम पर पहले से इस फिल्म का डाउनलोड लिंक दे रखा है, आप आसानी से देख सकते हो। सो गाइस, नंबर 2 पर जो मूवी आती है इसका नाम है रानम, जो कि 2018 में रिलीज भी क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी थी, जिसके अंदर आप सभी को पृथ्वीराज, सुकुमन रहमान, कैलिन जोसेफ और भी कई सारे कलाकार देखने को मिलेंगे। बात की जाए अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, सो गाइस इस फिल्म की स्टोरी लाइन बेस्ड है आदि नाम के बंदे के ऊपर, जो कि यार क्राइम की दुनिया में वापसी करता है और कई सारे उसके दुश्मन भी बनते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो गाइस, क्या वो लड़की से मिलने के बाद क्या वो क्राइम की इस दुनिया को छोड़ देता है, छोड़ पाता है या नहीं, और इसके अलावा कई सारी चीज़ें इस फिल्म में देखने को मिलती हैं। सो गाइस, ये फिल्म काफ़ी बढ़िया है, मुझे यार काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई थी। सो गाइस, इस फिल्म में आप सभी को एक्शन भी एकदम ज़बरदस्त देखने को मिलता है, और खास इस फिल्म में ये है कि इस फिल्म में आप सभी को पृथ्वीराज, सुकुमन और रहमान सर की काफ़ी गजब की एक्टिंग भी देखने को मिलती है। सो गाइस, ये फिल्म काफ़ी बढ़िया है, जिसे IMDb पर 6.5/10 की रेटिंग मिली हुई है, और आप इस फिल्म को देखना चाहते हो सो गाइस ये फिल्म भी आप सभी को यूट्यूब पर अनऑफिशियली देखने को मिलने वाली है। अगर ऑफिशियली मिलेगी तो मैं आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर नहीं तो इस फिल्म
को अगर आप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पर यह फिल्म आप सभी को मिल जाएगी, वहां पर आप इस फिल्म को आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हो टेलीग्राम पर आसानी से। तो यार नंबर वन पर जो मूवी आती है, इस मूवी का इंतजार तो हर कोई कर रहा था। हर रोज मुझे कोई ना कोई बोलता था कि मुझे ये मूवी देखनी है, मुझे ये फिल्म हिंदी में, मैं ये इस फिल्म को कैसे देखूं। तो लो गाइस ये फिल्म अब हिंदी में आ चुकी है। इस मूवी का नाम है फोरेंसिक, जो कि 2020 में रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर मूवी थी, जिसके अंदर आप सभी को विनोद थॉमस, ममता मोहनदास, रेबा मोनिका और भी कई सारे कलाकार देखने को मिलेंगे। बात की जाए अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में, सो गाइस इस फिल्म की स्टोरी लाइन में आप सभी को देखने को मिलेगा कि एक के बाद एक बच्चियों का मर्डर होता जा रहा है बेरहमी से। जी हाँ दोस्तों, उन्हें कोई बेरहमी से मार रहा है, लेकिन पुलिस वाले जो है वो किलर को ढूंढने में असमर्थ हैं। और उसके बाद कई सारी चीज़ें होती हैं, जिसके बाद उन्हें एक फोरेंसिक, वो पुलिस वाले जो हैं वो फोरेंसिक की मदद लेते हैं, और वो कैसे फोरेंसिक वाले उस केस को सोल्व करते हैं, आप सभी को इस फिल्म में देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये फिल्म काफ़ी बढ़िया है, फिल्म में आप सभी को काफ़ी बढ़िया लगेगा। और ये फिल्म एक साइको किलर फिल्म भी है, अगर जिन लोगों को साइको किलर फिल्म देखना पसंद है तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया फिल्म है। और ये फिल्म आप सभी को अपने एंड तक बांध के रखती है, और इस फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस आप सभी को एंड में पता चलता है। सो गाइस ये फिल्म काफ़ी बढ़िया है, आप सभी को मिस नहीं करना चाहिए। ये फिल्म आप सभी को YouTube पर नहीं मिलने वाली है। तो गाइस मैंने इस फिल्म का डाउनलोड लिंक पहले से ही टेलीग्राम पर दे दिया है, आप जाकर आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हो इस फिल्म को। तो गाइस यही थी साउथ की टॉप 5 न्यू रिलीज क्राइम थ्रिलर फिल्में। इनमें से लगभग कुछ ही फिल्में हैं जो YouTube पर अवेलेबल है, और कुछ फिल्में जो हैं वो YouTube पर ऑफिशियली आप सभी को नहीं देखने को मिलेंगी। सो गाइस आप सभी को करना क्या है कि ये जो फिल्म YouTube पर अवेलेबल नहीं है, उस फिल्म को देखने के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, जिसकी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप आसानी से इन सभी फिल्मों को डाउनलोड करके देख सकते हो। मैंने आप सभी को टेलीग्राम पर पहले से ही दे रखा है। अगर आप ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं, अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है टेलीग्राम पर मूवी, तो आपको वहां पर एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर सर्च कर सकते हैं आप जो भी मूवी देखना चाहते हैं। तो यार सर्च करके आसानी से आप सभी को वो मूवी मिल जाएगी। सो गाइज यहीं तक थी आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि साउथ इंडियन मूवी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। और जल्दी कुछ स्पेशल भी आने वाला है चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।